अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में ज़बर वाले हरूफ को अलीफ से लेकर या तक हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, हमने खुट्टा हरूफ भी पढ़े, खाली जगह पूर करके पढ़ा। प्यारे बच्चों, हमने इसी तरह अलीफ से लेकर या तक ज़बर वाले हरूफ जो थे उसी के बाद वाले हरूफ को भी हमने लिखा, पढ़ा और समझा। प्यारे बच्चों, आज हम ज़बर वाले हरूफ की मश्क को लिखते सीखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की डबल लाइन की नोटबुक में हम इसी तरह हमें डबल लाइन के अंदर क्या करना है, हुरूफ को लिखना है। हम इसी तरह पहले ज़बर वाले हुरूफ को मिलाकर लिखते सीखेंगे। इसी तरह पहले हमें ता ज़बर तो लिखना है, ता के ऊपर ज़बर भी लगाना है और रा को मिलाकर लिखना है। तो हम इसी तरह ता के साथ रा को लिखेंगे, रा ज़बर र त र। इसी तरह हमें हुरूफ को लिखकर हमें पढ़कर ता ज़बर त रा ज़बर और इसी तरह हमें पढ़ना है और लिखना है। इसी तरह आगे का हुरूफ हम कौन सा लिखेंगे, लाम। तो हम इसी तरह लाम जबर ल काफ जबर क ल क। इसी तरह हमें हुरूफ को पढ़ना भी है और लिखना है, मिलाकर लिखना है। कैसे मिलाकर, इसी तरह हमें हुरूफ को मिलाकर लिखते सीखना है। फिर आगे का दूसरा हुरूफ है जीम। तो हम इसी तरह जीम लिखेंगे, जीम जीम के ऊपर जबर जीम जबर ज। इसी तरह मीम को जीम के साथ मिलाकर लिखेंगे, एन को भी मिलाकर लिखेंगे, जीम जबर ज मीम जबर म एन जबर अ ज म अ। हम इसी तरह मिलाकर हुरूफ को लिखते सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम यही तीन हुरूफ को, ये जे तीन लफ्ज है यहाँ पर जो हमने लिखे, वही तीन लफ्ज को हम हमारी अरबी की नोटबुक में पूरे दो पेज भरकर हम लिखेंगे। अच्छे राइटिंग से हमें लिखना है। हम इसी तरह ता जबर त रो जबर र त र, हम इसी तरह हुरूफ को मिलाकर लिखेंगे, रा जबर र त र। इसी तरह लाम जबर ल काब जबर क ल क। इसी तरह हमें हुरूफ को मिलाकर लिखते सीखना है। प्यारे बच्चों, आगे का हुरूफ है जीम जबर ज मीम जबर म ऐन जबर अ। तो हम इसी तरह हुरूफ को मिलाकर धीरे धीरे लिखते सीखेंगे। इसी तरह पूरा पेज भरकर हमें क्या करना है, हुरूफ को लिखना है। इसी तरह तर की लाइन में ता जबर त रा जबर र तर। इसी तरह लाम जबर ल काब जबर क ल क। जिम जबर ज मीम जबर म ऐन जबर अ ज म अ। इसी तरह हम लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इसी तरह हमें जबर वाले हुरूफ को पहचानने में भी आसानी हो जाएगी और हम अच्छे से लिख भी सकेंगे। इसी तरह ता जबर त पढ़ते जाएंगे, रा जबर र तर, लाम जबर ल काफ जबर क ल क। इसी तरह जिम जबर ज मीम जबर म ऐन जबर अ ज म अ। इसी तरह हमें हुरूफ को मिलाकर लिखना है, पढ़ना है और हुरूफ को समझना है। प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह जबर वाले हुरूफ के तीन लफ्ज तर ल क और जमा अ, तीन लफ्ज को हमें अरबी की नोटबुक में दो पेज भरकर लिखना है। लिखना भी है और हमें हुरूफ को पढ़ना भी है और समझ कर पढ़ना है, ताकि हमें आगे का सबक अच्छे से हम पढ़ सके। और हमें लिखने की कोशिश करनी है ताकि हम अच्छे राइटिंग से हुरूफ को लिख सकें। यह है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे के सबक में इंशाल्लाह आगे के दूसरे तीन लफ्ज को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।